Okay, welcome my dear students. As you know, schedule is provided for a particular webinar on math subject. Myself, Garjay Ravindra, mathematics lecturer, 8 years teaching experience, theory as well as JEE and KSET. मुझे ना स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहा है. अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे डिफ़िकल्ट होता है, सबसे पहले आंसर होगा मैथमेटिक्स. इसी के लेकर स्टूडेंट के मन में ना एक डर सा रहता है और अक्सर स्टूडेंट की कंप्लेंट भी रहती है कि मैथ चाहे जितना भी पढ़ ले, ओके, ना तो समझ में आता है और मैथ्स में रिजल्ट में अच्छी तरह से मार्क्स हम ले सकते हैं. डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मैथमेटिक्स कैसा सीखना है, कैसा पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसा करना है और आपको ना आउट ऑफ मार्क्स कैसा लेना है, ये सब चीज़ें आपको मैं गाइड करने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैथमेटिक्स कैसा सीखना है, ओके. मैथमेटिक्स सीखने से पहले ना आप अपने दिमाग से, तो मैथमेटिक्स सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैथमेटिक्स सबसे समझ में नहीं आ रहा, ये सब आपके दिमाग से निकालना है, ओके. जब तक आप दिमाग में रख लेते ये मैथमेटिक्स वेरी डिफ़िकल्ट है, आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, ओके. हम हर सब्जेक्ट की तरह मैथमेटिक्स में ना ईजी तरीके से पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए ना बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग से आपको ना जो एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, फैक्टर्स, ओके, एलसीएम, ये भी आपको ना बेसिक अपनी स्ट्रांग बना लेना है. अगर ये स्ट्रांग होने से हम मैथमेटिक्स से ईजिली सीख सकते हैं, ओके. मैथमेटिक्स ना रटने की बजाय उसको ना अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. और मैथमेटिक्स और फार्मूला मैथमेटिक्स की जान होती है, उसको ना अच्छी तरह से याद रखने की कोशिश करें, ओके. और आपको ना मैथमेटिक्स में मैं फेल हो सकता हूँ या मेरे नंबर्स कम आ रही है, ये सब चीज़ें ना फर्स्ट अपने हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें, ओके. मैथमेटिक्स को आप हमेशा के लिए ना प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. जितना टाइम आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम देंगे, उतना आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, ओके. तो मैथमेटिक्स ना समझने के लिए आपको दूसरों के ऊपर ये करने के बजाय अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखें और मैथमेटिक्स का आप ईजिली सीख सकते हैं. तो मैथमेटिक्स ना भागने के बजाय आप ईजिली ना उसको ना अच्छे से समझें. अगर यह समझ में नहीं आ रहा तो अपने टीचर्स के पूछने की आदत डाल सकते हैं आप. ये सब चीज़ें ना आप फॉलो करके आप मैथमेटिक्स सीख सकते हैं. उसके बाद में हम अब और सेकेंड ऑब्जर्व किया है कि मैथमेटिक्स में बच्चे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बच्चों में नर्वसनेस नज़र, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे स्टूडेंट में ना नर्वसनेस नज़र आती है. ये नर्वसनेस ना मेन रीज़न है डर, एग्ज़ाम का डर. एग्ज़ाम का डर दूर करने के लिए हमें फर्स्ट मैथमेटिक्स को ना कैसा प्रिपेयर कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ओके. मैथमेटिक्स में हम 40+, 60+ और 95+ कैसा स्कोर्स कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको ना आपको गाइड करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और एक बार मेरा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि फर्स्ट माई सेल्फ इज़ गर्जय रविंद्र. माई क्वालिफिकेशन इज़ MSc BEd. आई टीचिंग एक्सपीरियंस 8 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस थेरी एज वेल एज JEE एंड KSET. ओके, अगर हम शुरू करते हैं और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये नंबर पे आप एनी डाउट्स यानी इंक्वायरीज करना है तो भी आप ये नंबर पे मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके. अगर हम ना फर्स्ट अगर हमको मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करें, ओके. तो हमको स्टार्ट करने से पहले हम पहले ब्लूप्रिंट यूज़ कर सकते हैं. तो ब्लूप्रिंट में हमको पूरा समझ में आता है कि कितने मार्क्स का पेपर है और क्वेश्चन पेपर पैटर्न और हमको उसके बाद में मॉडल पेपर, ये सब चीज़ें आपको मैं गाइड करने वाला हूँ. तो फर्स्ट ओके, ये है ब्लूप्रिंट. तो डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन 2022 ब्लूप्रिंट इन सेकेंड PUC, ओके. तो टोटल यहाँ पे देखो टोटल चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास, 13 चैप्टर्स हैं. तो 13 चैप्टर्स में से हमको टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 195 मार्क्स में ना आपको टोटल कितने लिखना है, ओनली 100 का लिखना है आपको. तो वो टोटल 95 मार्क्स आपके पास ना
एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शन में आने वाले हैं। तो हम अगर हमारे को ये 100 रहे हैं तो फर्स्ट के 6 टॉपिक पढ़ लिए तो हमारे को 100 हो सकते हैं क्या? ये गलती मत करिए स्टूडेंट। तो यहाँ कि अगर हम फर्स्ट के 5-6 चैप्टर पढ़े तो हमारे 100 मार्क्स कवर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ना 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होते हैं, 8-9 क्वेश्चन कवर होते हैं, और 2 मार्क्स से बहुत हो गया हार्डली 7 क्वेश्चन, 3 मार्क्स से 6-7 क्वेश्चन कवर होते हैं। इसलिए आप ना पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। ओके, तो मैं आपको ब्लू प्रिंट फर्स्ट समझाऊंगा कि तो फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे पास, टोटल 6 क्वेश्चन। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं हमारे पास, 6 क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 17 मार्क्स का आपका ओनली रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक में से आपको 70 मार्क्स कवर होते हैं। तो आपको ना उसके बाद में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस टोटल 9 मार्क्स का है। तो इसमें 9 मार्क्स में आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 क्वेश्चंस। तो 1 मार्क्स के ना 2 क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के, ओके, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता, टोटल आपको ना 9 मार्क्स कवर होते आपके। ओके, तो उसके बाद में मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्सेस आपको ना 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल मिला के आपको ना 11 मार्क्स कवर होते आपके मैट्रिक्स चैप्टर में से। ओके, उसके बाद में डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में से आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, हमको ऑप्शन 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन लिखने का रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ जा सकते हैं, इसलिए टोटल कितने मार्क्स का होता है, 19 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको। यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं आपके, 26 मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो इसमें आपको ना 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन कवर होता है। तो टोटल 26 मार्क्स कवर होंगे आपके टॉपिक में से। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव टोटल कितने मार्क्स का, ये 16 मार्क्स का है। तो इसमें ना आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते सकते, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स एक का था, उसके बाद में 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का, और एक लास्ट ऑन 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो टोटल कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स। उसके बाद में इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स ना टोटल 28 मार्क्स का है, सबसे बिग चैप्टर आपका। तो इसमें ना आपको ना 26 मार्क्स में ना 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एंड 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 28 मार्क्स कवर हो सकते हैं आपके। ओके, उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल ओनली यहाँ पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते, इसलिए आपके 3 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का है, टोटल 8 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ना टोटल 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होता है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 13 मार्क्स का आप डिफरेंशियल इक्वेशन से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा, ये तो सिंपल चैप्टर है आपके वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ पे ना आपको टोटल 12 मार्क्स कवर कर सकते हैं आप। तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में ना यहाँ पे ना आपको 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आते हैं, ओके, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एंड 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 12 मार्क्स। उसके बाद में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में टोटल 13 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, एंड 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये थ्योरम्स आ सकता है आपको, थ्योरम में से आप क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ओके, ये टोटल 13 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में ना आपको ओनली 2 क्वेश्चन कवर करना है आपको। तो 1 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा, और 6 मार्क्स के लिए आपको ना एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा, टोटल 7 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में ना आपको ना टोटल 16 चैप्टर्स, 16 मार्क्स का
मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कवर होंगे, 5 क्वेश्चंस कवर होंगे। तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर होता, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। टोटल 195 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा इस साल। ओके, तो आपको इसमें से कितने मार्क्स कवर करना है, ओनली 100 मार्क्स कवर करना है आपको। ऊपर के टोटल 95 मार्क्स आपके ना ऑप्शन में रहेंगे। ओके, तो आपको ये हो गया ब्लूप्रिंट। उसके बाद में ना आपको ना ओके नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस पेपर। तो आपको इसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा पूछ सकता है। ओके, तो फर्स्ट आपको ना क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट में पूछा जाएगा। ओके ओके, टोटल कितने पार्ट्स में आपको, 5 पार्ट्स में पूछ सकते हैं। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई में। तो पार्ट ए में ना आपको ना 1 मार्क से क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं आपके, 15 क्वेश्चंस। आपको लिखना कितने, ओनली अटेम्प्ट कितने करना है, आपको ओनली 10 क्वेश्चंस करना है। ओके, तो टोटल 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपको इस बार, और आपको कितने कवर करना है, ओनली 10 क्वेश्चंस कवर करना है। आपके पास 5 क्वेश्चंस ऑप्शंस में रहेंगे। ओके, उसके बाद में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके, 18 क्वेश्चंस। तो आपको कितना कवर करना है, ओनली 10 क्वेश्चंस कवर करना है। ओके, उसके बाद में ना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, पार्ट सी में आपको ना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस आपको ना यहाँ पे भी 18 क्वेश्चंस दिया जाएगा। आपको लिखना कितना है उसमें, 100 क्वेश्चन कवर करना है आपको। तो 8 क्वेश्चंस आपके पास एक ऑप्शन में है। उसके बाद में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 12। तो आपको करना कितने, ओनली 6 क्वेश्चन कवर करना है। ओके, तो अब रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस आपके ना ऑप्शंस में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई में, पार्ट ई में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन विथ 2 सब डिविजन्स, एक 6 मार्क्स का एंड दिस वन 4 मार्क्स का। ए और बी फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 3। तो आपको कवर करना है ओनली 1 क्वेश्चंस। ओके, तो ये क्वेश्चंस क्या रहते हैं हमारे पास पार्ट डी में, पार्ट डी में ना, और पार्ट ई, ये दोनों भी क्या हमारे पास, क्वेश्चन मस्ट बी आस्क फ्रॉम द स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स। तो हम आपको ना पर्टिकुलरली टॉपिक्स में से आपको ना क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। ओके, ये आपका इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। तो फर्स्ट आप पार्ट ए में 5 टॉपिक, 5 पार्ट्स रहेंगे, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स के। तो 10 मार्क्स में मैं आपको 2 सब डिविजन में क्वेश्चन पूछा जाएंगे, 6 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। तो इसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है, 5 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा, और यहाँ पे ना 8 क्वेश्चंस आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसमें से एनी 10 करना है। यहाँ पे भी आपको ना 8 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको ना 3 क्वेश्चन में से ओनली 1 क्वेश्चंस आपको कवर करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपको इसको अच्छी तरह से समझिए, समझ के आप पेपर एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ओके, ओके सेकेंड पीयूसी मैथमेटिक्स, यहाँ पे ना सेक्शन वाइज मॉडल पेपर्स 2022 एनालाइज। यहाँ पे क्या करे, तो आपको सेक्शन वाइज एनालाइज करे से, ये इसलिए करे सो है कि आपको ना आउट ऑफ मार्क्स कैसे कवर करना है। ओके, उसके बाद में आपको ना ये वाले इस सेक्शन में आपको ना आउट ऑफ मार्क्स कैसे कवर करना है, 60 प्लस कैसे कवर करना है, और 40 प्लस पासिंग पैकेज आपको कैसा कवर करना है, ये सेक्शन में आपको ना इजीली समझ में आ सकता है। ये मॉडल पेपर का एनालिसिस है ये। ओके, तो यहाँ पे ना 1 मार्क्स से क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको यानी कितने करना है, आंसर एनी 10। अगर हम अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न में देख लिए होंगे, आंसर एनी 10 करना है। तो आपको आंसर में फर्स्ट रिलेशन है इन फंक्शंस, तो रिलेशन फंक्शन में से 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 1 मार्क्स में। तो फर्स्ट आपको अच्छी तरह से डेफिनेशंस पढ़ना है। डेफिनेशन कौन से पढ़ना है आपको, बाइनरी ऑपरेशंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड चेकिंग द गिवन ऑपरेशंस इज बाइनरी और नॉट। ओके, ये टॉपिक आप कवर करना है तो आपको ना 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ना आप एक्सरसाइज 1.4 में भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 6, 9, 10 ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते
वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद मैंने सेकेंड क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शंस, तो यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको वन मार्क्स के? टू क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ना या तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन सेम बाइनरी या तो बायजेक्टिव फंक्शंस या तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा आता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय फोर। इसका क्या करना है हमारे को? आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, उसके बाद में चेक इन द गिवन ऑपरेशंस, ये डेफिनेशंस अगर बाइनरी है या नहीं आपको ना चेक करना है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय फोर ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये नंबर पे आपको बाइनरी है या नहीं आपको चेक करना है। तो आप एक्सरसाइज यहाँ पे भी ये सेम दोनों में से आपको या तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछा तो आपको बाइनरी ऑपरेशंस या तो कंपोजिट फंक्शंस में ना क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, उसके बाद में ना अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको कौन सा टॉपिक कवर करने से हमारा वन मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है? तो यहाँ पे ना आपको फर्स्ट पढ़ना है रेंज एंड डोमेन। तो टोटल सिक्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें से ना आपको ना इसका डोमेन, इसका रेंज आपको पूछ सकता है, या तो प्रिंसिपल वैल्यू, या तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये टाइप के क्वेश्चंस आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से वन मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इसके ये टॉपिक पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से, टोटल टू मार्क्स आते हैं वन मार्क्स में। आपको इसमें भी सेम या तो यहाँ पे डोमेन पूछा गया तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ सकता, नहीं बोले तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल के पूछ सकता है। तो आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आपको दो क्वेश्चंस कवर करना है। उसके बाद में ना मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस में ना आपको ना क्या क्या पढ़ना है इसमें वन मार्क्स के लिए? तो फर्स्ट स्केलर्स, स्क्वायर डेफिनेशंस, डायगोनल डेफिनेशन, उसके बाद में रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद में फाइंडिंग द एलिमेंट, फाइंडिंग द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्सेस, ओके, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, ओके, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स बोलते ये आई जे आपको कौन सा था, टू इंटू टू मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, ओके, ये वाला मैट्रिक्स में आपको ना वन मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है वो टू इंटू टू ऑर्डर में, ओके, उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, ये सब टॉपिक कवर करने से हमको वन मार्क्स मैट्रिक्स चैप्टर में से कवर हो सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर में ना आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है? ओके, बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ओके, ये टाइप के जो डिटरमिनेंट बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट ऑफ के है, ये टाइप के क्वेश्चंस आप वन मार्क्स में कवर कर सकते हैं। उसके बाद में इक्वेटिंग डिटरमिनेंट्स एंड फाइंडिंग एक्स, तो आपको ना फाइंड एक्स कर सकते हैं ऐसा एक्स टू फोर फाइव ऐसे क्वेश्चंस आपको इजीली दे सकते हैं, ओके, थ्री एक्स फोर फाइव, ओके, तो एक्स फाइंड इन द वैल्यू ऑफ एक्स बोलते हैं ना आप एक्स इक्वल टू टू थ्री करना नहीं है या तो एक्स इक्वल टू टू करना नहीं है, इस इज नॉट ए मैट्रिक्स, दिस इज द डिटर्मिनेंट, ओके, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर है, इसको ना सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेके आप ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपको कौन से चैप्टर में से पूछा जाएगा? डिफरेंशिएबिलिटी, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन वन मार्क्स के लिए आपको ना डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट आपको ना चेन रूल, ओके, चेन रूल पे आपको ना वन मार्क्स से क्वेश्चंस पूछ सकता है, या तो डिफरेंशिएबिलिटी और थोड़ा चेन रूल, या तो इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामेट्रिक, ये वन मार्क्स में आपको ना इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं आप डिफरेंशिएबिलिटी में से, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल में से ना आपको ना कौन से टाइप के क्वेश्चन करना है? डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशंस, ओके, 7.1 एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो सिंपल प्रॉब्लम्स एंड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम वन मार्क्स से क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद में इंटीग्रल में आपको ना दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन, नहीं तो डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे आपको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये वाला फॉर्म एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ओके, वन मार्क्स में।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको वेक्टर अलजेब्रा में से एक क्वेश्चन आ सकता है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको पढ़ना क्या है वन मार्क्स के लिए, यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो यूनिट वेक्टर कैसा फाइंड करना है, उसके बाद में डेफिनेशंस, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, उसके बाद में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तो अब ये टॉपिक आप कवर करके ना वन मार्क्स का क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा में ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके ना दो क्वेश्चंस हैं। ओके, तो वेक्टर्स में से तो फर्स्ट यूनिट वेक्टर, यहाँ पे भी सेम दोनों में से आप एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। उसके बाद में ना नेक्स्ट ऑन 13 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 13। तो आपको यहाँ पे ना 3D ज्योमेट्री में क्वेश्चन कैसा पड़ सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोस, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये क्वेश्चंस में ना आपको वन मार्क्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद में LPP क्वेश्चन नंबर 14, LPP में से आपको ना डेफिनेशंस, फिजिबल रीजन, ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का आपको ना प्रोबेबिलिटी में से पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में आपको ना ये वाले फॉर्म, ओके, ये वाले क्वेश्चंस आपको ना पूछ सकते हैं वन मार्क्स के लिए। ओके, तो आपको ना टोटल 15 क्वेश्चंस, ओके, टोटल 15 क्वेश्चन में से आपको कितने कवर करना है, ओनली 10 क्वेश्चंस ही कवर कर लेना है आपको। ओके, अब नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको करने कितना है, आंसर एनी 10। ओके, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हुए, आपको टोटल 18 क्वेश्चंस आते हैं आपको वहाँ पे। 18 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन कवर करना है, ओनली 8 क्वेश्चन इज कवर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ना रिलेशन फंक्शंस में से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो रिलेशन फंक्शंस में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कवर करना है। ओके, तो आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। ओके, फर्स्ट आप ना चेकिंग द ऑपरेशंस फॉर कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव, आपको कॉम्पिटिटिव कैसे फाइंड करना है। ओके, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, आपको कॉम्पिटिटिव फाइंड करना है। उसके बाद में एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट ए। ये डेफिनेशन से आप कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में ना कंपोजिट फंक्शंस। ओके, कंपोजिट फंक्शंस में ना आपको जी कंपोजिट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या था, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स लिखना है आपको, एंड एफ कंपोजिट ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी कंपोजिट ऑफ एफ। ओके, तो आप कंपोजिट फंक्शन से ये वाले डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में 1-1 ऑन 2 फंक्शंस। तो 1-1 ऑन 2 फंक्शंस में आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडुलस फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, एंड कंपोजिट फंक्शंस में ना जी कंपोजिट ऑफ एफ फ्रॉम ए टू सी इज 1-1 एंड ऑन 2, ये क्वेश्चंस आप ना यहाँ पे 2 मार्क्स पे क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं। तो आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं आपको, तो फर्स्ट चेकिंग द ऑपरेशंस। ओके, आपको ऑपरेशन चेक करना है कि कौन सा कॉम्पिटिटिव या एसोसिएटिव या कंपोजिट फंक्शंस या 1-1 एंड ऑन 2 फंक्शंस। उसके बाद में ना अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन सा टॉपिक कवर करने से हमारे 2 पॉइंट कौन सा कवर करने से 2 मार्क्स हमारे को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल एग्जांपल्स। ओके, एक्सरसाइज 2.1 अगर आप पूरी तरह से कर लिए एक्सरसाइज 2.1, तो आपको ना 2 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री
फंक्शंस में. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2.1 एग्जांपल में आपको कैसा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स या टैन इनवर्स ऑफ एक्स पूछ सकता है. या तो आपको ना दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फाइंड द वैल्यू बोल के पूछ सकते हैं यहाँ पे. तो आपके ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 2.1 एक्सरसाइज पढ़ने से आपके ना दो क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं. उसके बाद में मैट्रिक्सेस. तो मैट्रिक्सेस में आपको कौन से क्वेश्चंस कवर करना है, तो मैट्रिक्स में से आपको कौन से टॉपिक पढ़े तो हमारे 2 मार्क्स कवर होते हैं. तो फर्स्ट इक्वेटिंग मैट्रिक्सेस एंड फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज. ओके, तो आपको ना 2 मैट्रिक्सेस अगर इक्वल है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, फाइंड एक्स एंड वाई, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको ना मैट्रिक्सेस में इस बार पूछ सकता है. ओके, एंड फाइंडिंग द मिक्सिंग वैल्यू बोलते हैं एक्स एंड वाई जेड ए बी सी फाइंड करने के लिए, ये क्वेश्चंस आपको ना पूछ सकता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ना डिटरमिनेंट्स चैप्टर में से क्वेश्चन आता है. तो यहाँ पे आपको कौन से टॉपिक कवर करने से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, अब ये दो कॉपीज कवर कर सकते हैं, या तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ओके, तो ये एक टॉपिक भी आप कर सकते हैं. तो आपको ना फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज इक्वेशन ऑफ लाइन एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चंस आपको ना कंपल्सरी एक क्वेश्चन आ सकता है डिटरमिनेंट चैप्टर में से. उसके बाद में ना डिफरेंशियबिलिटी में से आपके कितने क्वेश्चन कवर होते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर में से. ओके, तो आपका ना टोटल 6 मार्क्स ओनली 2 मार्क्स में चाहते हैं आपको. टोटल 6 मार्क्स इज ए बिग चैप्टर. तो आपको ना टोटल एक्सरसाइज में आपको ना 5.8 एक्सरसाइज, ओनली 8 एक्सरसाइज है. तो इसमें से आपको ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे, देखो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन. तो हर एक टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा इसमें से. तो फर्स्ट अगर डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ओके, उसके या तो इम्प्लिसिट फंक्शन में से पूछ सकता है. ओके, कौन से होते हैं, एक टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में से. अगर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो या तो चेन रूल. ओके, या तो लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स, लॉग एक्स होल टू द पावर ऑफ कॉस एक्स, एक्स टू द पावर ऑफ साइन एक्स, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है. ओके, तो चेन रूल आपका इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. चेन रूल आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ रहा, उसके बाद में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ रहा है चेन रूल टॉपिक में से. तो आप इजीली कौन से भी क्वेश्चन आने दो आपको. ओके, अगर चेन रूल से फंक्शंस कौन से भी ये टाइप के क्वेश्चंस, फंक्शन ऑफ द फंक्शन या कंपोजिट फंक्शंस, ओके, तो आपको ना यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन में चेन रूल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये साइन लॉग एक्स, या तो इसको ना साइन स्क्वायर लॉग एक्स भी आ सकता है क्वेश्चंस. तो एक क्वेश्चंस को हम कैसा सॉल्व करना है. ओके, सिंपल से आप फंक्शन ओके, तो ये वाला फंक्शन ये रूल अप्लाई करो, पावर फंक्शन एंगल. तो फर्स्ट आपको ना डिफरेंशिएट कहाँ से करना है, पावर को डिफरेंशिएट करना है. तो पावर को डिफरेंशिएट, उसके बाद में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. ओके, उसके बाद में एंगल, एंगल क्या है हमारे पास, लॉग एक्स. तो ये टाइप के क्वेश्चंस ना आप ये सिंगल पीएफए रूल से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम पावर को फंक्शन करना है, समझो पावर को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है वाई इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट क्या था, डीवाई बाय डीएक्स. ओके, तो फर्स्ट आपको ना फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पावर को, नॉट ए फंक्शन, फर्स्ट पावर. पावर कितना है, 2 साइन लॉग एक्स. उसके बाद में ना फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन लॉग एक्स. साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स.
उसके बाद में एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है. एंगल क्या हमारे पास, लॉग एक. लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x. ये हो गया आपका पी एफ ए रूल से हम इजीली ना चेन रूल के प्रॉब्लम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ओके, तो पहले आप ये वाला फंक्शन याद रखो, फंक्शन पावर एंड एंगल. तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक फॉर्म से ना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म. तो पैरामेट्रिक में आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन, दो फंक्शन रहेंगे, एक्स एंड वाई बोल के. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशंस. तो अप्रोक्सीमेशंस में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, क्यूब रूट ऑफ 1/3. ओके, उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन वैल्यूम, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ओके, नॉर्मल्स. उसके बाद में मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए गिवन सिंपल इक्वेशंस पे आपको ना 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में ना आपको इंटीग्रल्स, ओके, इंटीग्रल पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. अब इंटीग्रेशंस में ना आपको ना इम्प्लिसिट डेफिनेट इंटीग्रल्स पे ना आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. उसके बाद में और एक क्वेश्चन नंबर 26 में भी इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है आपको. तो वहाँ पे भी आपको ना एक डेफिनेट इंटीग्रल्स पे जो क्वेश्चन आता, ओके, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, या तो आपके पास और एक इंटीग्रेशन में आपको कौन सा भी सेम, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पूछ सकता है. ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, उसके बाद में ना डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना सबसे आसान क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री, कौन सा भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड उसका डिग्री लिखना है आपको. ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में आपको ना द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, उसके बाद में एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंडिंग वेक्टर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस, ये टाइप में ना आपको ना मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके वेक्टर चैप्टर में से आ सकते हैं. ओके, और ये क्वेश्चंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, ये सब आपको ना वेक्टर टॉपिक्स में से आपको कवर कर लेना है. तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इज वेरी सिंपल, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, उसके बाद फाइंडिंग द वेक्टर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. ओके, अब ये भी सेम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम. ओके, उसके बाद में द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन पे यहाँ पे कवर हो रहा क्वेश्चंस. उसके बाद में ना क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 में ना 3D ज्योमेट्री का, 3D ज्योमेट्री में आपको क्या क्या कवर, कौन से टॉपिक कवर करने से हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है. यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन आते हैं 3D ज्योमेट्री में से. तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन्स, लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, उसके बाद में परपेंडिकुलर ऑफ लाइन्स, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी पैरेलल ऑफ सेम एक्सिस, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन. तो आपको ना बहुत सारे टॉपिक पढ़ने से हमारे ना ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकते हैं यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. अब क्वेश्चन नंबर 32 में भी 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे भी सेम आपको वहाँ पे भी क्या करना है, डिस्टेंस के ऊपर. ओके, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, या तो एंगल बिटवीन प्लेन, या तो एंगल बिटवीन लाइंस, या तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स, या तो परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के भी पूछ सकता है, या तो परपेंडिकुलर कंडीशन पूछ सकता है प्रूव करने के लिए. उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द सम एक्सिस एंड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन. ये क्वेश्चंस कवर करने से हमको 3D में से और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो सकता है. उसके बाद में 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन 33 इज ए प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में से आपको ना तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड रैंडम वेरिएबल्स,
उसके डेवलपिंग टेबल्स एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ड्राइंग कार्ड्स और बॉल्स, सिंपल प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको ना ये चैप्टर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे ना 18 क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, तो आपको कवर कितना करना है, आपको ओनली 10 क्वेश्चंस कवर कर लेना है। ओके, ओनली 10 क्वेश्चंस। तो आपको ना कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स में से आपको डिसाइड करके ना आपको प्रिपरेशन कर लेना है। उसके बाद में ना अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ओके, 3 मार्क्स क्वेश्चंस, आंसर एनी 10। यहाँ पे भी सेम पैटर्न अपनाऊंगा, 18 क्वेश्चंस आपको करना है, ओनली 10 क्वेश्चंस कवर करना है। ओके, तो यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में से ना रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में से कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता, इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर सेटिस्फाइड। ओके ओके, ये फंक्शंस आपको इक्विवेलेंस रिलेशन में पूछ सकते हैं। आपने तो एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं 1.1। ओके, ये एक्सरसाइज में से पूरे क्वेश्चंस कवर कर लो, आपका 1 मार्क्स 3 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है ये। एवरी ईयर इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके बाद में ना सेकेंड क्वेश्चन नंबर 34, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ना आपको कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे भी आपको ना एक ही क्वेश्चन कवर हो सकता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, ऑल एग्जांपल्स। ओके, एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज, तो 2.2 एक्सरसाइज पढ़ लीजिए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कवर हो सकता है। स्पेशली आप ये वाला फॉर्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ओके, ये टॉपिक पे ये फार्मूला के ऊपर ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे हुए हैं। ओके, इस बार और एक क्वेश्चन में 2.2 में एक्सरसाइज में ना सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है। आप पहले इसके क्वेश्चन पे सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x वाई। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से। उसके बाद में ना क्वेश्चन नंबर 35, मैट्रिक्सेस। तो मैट्रिक्सेस में ना इज ए फिक्स क्वेश्चंस। ओके, या तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, ओनली ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर पे ना आपको ना मैट्रिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस इज ए फिक्स क्वेश्चन है ये, या तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, या तो सम प्रूफ करने के। ओके, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, या प्रूफ करना बोलते तो कैसे क्वेश्चन पूछता, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के क्वेश्चन। ओके, अगर प्रूफ करने के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछ सकता है। तो टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ लेना आपको, एलिमेंट्री ऑपरेशन, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, उसके बाद में सम प्रूफ। ओके, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में ना डिटर्मिनेंट्स टॉपिक, तो डिटर्मिनेंट्स में ना आपको ना 3 मार्क्स में कैसा पूछ सकता है, इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ना आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर तो आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्वेश्चन सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट्स में से। ओके, नेक्स्ट ओके क्वेश्चन नंबर 27। ओके, 37 यहाँ पे ना आपको डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39, ये 3 क्वेश्चन आपको ना पूछा जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन में आपको ना कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, या तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन कर सकते हैं, या तो पैरामेट्रिक फंक्शन भी कर सकते हैं, या तो ये क्वेश्चन आपको फिक्स रहेगा, मीन वैल्यू थ्योरम एंड रॉस थ्योरम्स। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम के एनसीईआरटी बुक में 3 क्वेश्चंस है, और मीन वैल्यू थ्योरम पे भी, रॉस थ्योरम पे भी 3 से 4 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिए हुए 5.8, 1, 4 एंड 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके ना ये क्वेश्चंस आपका फिक्स है। देखो,
तो यहाँ पे ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो 39 क्वेश्चन नंबर है रॉस थ्योरम या तो मीन वाले थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। उसके बाद में ना आपको यहाँ पे ओनली 3 क्वेश्चन हैं। ये 40 क्वेश्चन नंबर ना इज ए नॉट ए डिफ्रेंशिएशन, इज ए अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके, तो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या तो क्वेश्चन नंबर 41 है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पढ़ने से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है, तो उसके बाद में फर्स्ट आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो टॉपिक है उसमें बाद में फाइंड द इंटरवल्स। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सिंपल क्वेश्चंस और फाइंड द इंटरवल्स हम कैसा फाइंड करना है, उसके बाद में मैक्सिमा मिनिमा, ओके, फाइंडिंग नंबर सच दैट गिवन कंडीशंस, ओके, सम ऑफ द 2 नंबर्स x प्लस y इज इक्वल टू 16 एंड द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एज वेल एज पॉसिबल, ये टाइप के क्वेश्चंस ना आपको ना 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, उसके बाद में ना क्वेश्चन नंबर 42 इज ए इंटीग्रल चैप्टर में से आता हूँ, तो इंटीग्रल चैप्टर में से आपको ना 3 क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शंस, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, या तो डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ओके, तो क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44 आल्सो इंटीग्रल चैप्टर में से आते हैं। तो इंटीग्रल चैप्टर में से आपको सेम या तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 में आपको ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल पूछा समझो, और क्वेश्चन नंबर 43 में इंटीग्रेशन या तो पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छी तरह से पढ़ ले, आपके मिनिमम 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस कवर होंगे 3 मार्क्स के। ओके, 3 टॉपिक पे। उसके बाद में ना ये क्वेश्चन सम ऑफ द लिमिट्स, ओके, या तो लिमिट्स ऑफ सम, क्वेश्चन नंबर 44 इज ए फिक्स क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे ना ज़्यादा से क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर से, ओके, लोअर लिमिट 0 to 1 से जो स्टार्ट होने वाला है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको ना एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, सम ऑफ द लिमिट्स। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 8.1 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला एंड लाइन। ओके, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको ना ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना आपको कौन से टॉपिक कवर करना है, फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको ना आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। ओके, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ओके, फैमिली ऑफ लाइंस, ये टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस में से, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन या तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में से भी आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 वेक्टर चैप्टर में से आपको ना 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको ना कोप्लैनेटी, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल रहेगा कोप्लैनेटी पे। ओके, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला का थ्योरम, ओके, डिराइवेशंस एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट, तो आपको ना कोप्लैनेटी का तो पढ़ लियो, नहीं तो सेक्शन फार्मूला तो डिराइवेशंस या तो इससे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी गिवन वेक्टर्स इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये वाला, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी गिवन वेक्टर्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स तक कवर कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कवर करना है तो या तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ओके, ये क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 49, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49 में भी वेक्टर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, हम डिस्कशन करें से कोप्लैनेटी या तो सेक्शन फार्मूला या तो डिराइवेशंस, सेक्शन फार्मूला का डिराइवेशंस एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन पॉइंट्स एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से आपको क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं आपको, तो फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, ओके,
तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बीच में होते द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के ऊपर, ओके तो डिस्टेंस के ऊपर वहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे 3 मार्क्स के लिए, और एक डिस्टेंस के क्वेश्चन पे आपको ना 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ओके अगर प्लेन की बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ओके तो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा यहाँ तो, ओके अगर थ्योरम आकल अगर 5 मार्क्स का थ्योरम अगर लाइन पे पूछा गया समझो तो 3 मार्क्स के लिए आपको ना प्लेन पे क्वेश्चन पूछता है, अगर 5 मार्क्स का प्लेन पे आया समझो 3 मार्क्स के लिए आपको लाइन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके तो आपको ना बैलेंस करना है, लाइन भी पढ़ना है और प्लेन भी पढ़ लेना है। और क्वेश्चन नंबर 51, ओके प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन बायर्स थ्योरम्स मीन्स इसमें टॉपिक कौन से पढ़ना है, इंश्योरेंस कंपनी, बैग कंटेनिंग बॉल्स, कॉइंस एंड स्पीकिंग ट्रूथ, ये टाइप के क्वेश्चंस आप क्वेश्चन नंबर 51 में कवर कर सकते हैं, ओके ये तो हो गया आपका ना स्कोरिंग करने के लिए, आउट ऑफ मार्क्स कवर करने के लिए आप ये पूरी तरह से एनालिसिस करो क्वेश्चन पेपर, आपको ना 1 to 51 तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओके आप कौन से क्वेश्चंस आप कवर सकते हैं, 2 मार्क्स में आपको एनी 10 करना है, 2 मार्क्स में भी एनी 10 करना है, 3 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन कवर करना है। उसके बाद में अब आता है हम लोग को ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसे फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ओके ये फिक्स क्वेश्चंस आपको ना जो स्टूडेंट अगर बाई चांस आपको ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से आप कॉलेज को नहीं गए होंगे, वहाँ पे आपको कुछ परेशानी हुई होंगी, वो स्टूडेंट के लिए ना आप ना ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो यहाँ से आपको ना 40 मार्क्स कवर करना है आपको पासिंग के लिए, ओके तो पासिंग के लिए हम आपको 35 के लिए मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स है तो पास होते हैं, हम आपको 40 मार्क्स ये दो सेक्शन में कवर हो जाते हैं। और आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चन टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद में पार्ट ई सेक्शन में एनी 1 टॉपिक 1 क्वेश्चन कवर करना है, तो टोटल 30+10 के फॉर्मेट में आपको ना पढ़ना है, ओके ये पूरे स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम में थे वो स्टूडेंट को आपको पासिंग पैकेज, ओके तो पास कैसा होना है मैथमेटिक्स में ये जो सेक्शन पढ़ लीजिए, आप इजीली मैथमेटिक्स में पास हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशन साइन फंक्शंस में से आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपल्सरी, बट यहाँ पे ना रिलेशन फंक्शंस में से इस बार 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके तो ये बहुत इजी है 2 क्वेश्चंस, आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें रिलेशन एंड फंक्शंस में से, ओके प्रॉब्लम्स ऑन वेरिफिकेशंस ऑफ इन्वर्टिबिलिटी ऑफ फंक्शंस एंड राइटिंग इट्स इनवर्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया चुका हूँ, तो एग्जांपल द फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू वाई बी दी फंक्शंस डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू कितना है हमारे पास 4x+3, दिस इज द फंक्शन वेयर y is equal to this is the range, okay? अगर आपको inverse find करना है तो both 1-1 and onto satisfy करना है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे co-domain की जगह पे क्या दिए यहाँ पे range दिए हुए, ये range लेके आप ये question को ना easily solve कर सकते हैं, okay? यहाँ पे 2 मेथड से solve कर सकते हैं, या तो both 1-1 and onto function से कर सकते हैं, नहीं बोलते composite function से भी आप एक question को solve कर सकते हैं, आपको कौन सा easy method लगा वो method से आप solve कर लीजिए, या तो types of functions या तो composite functions। उसके बाद में second example the set of positive integers, set of all negative numbers, real numbers, prove that the function f from positive real number to -5 to infinity, defined by f of x is equal to 9x² + 6x - 5, okay, is invertible, write also f inverse of x, okay, ye wala questions aap 1-1 onto function se solve kare to first inverse फैक्टर्स फाइंड करना है इसके, उसके बाद में एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके 53 क्वेश्चंस में भी आपको ना रिलेशन फंक्शंस में से कहेंगे, ओके इस बार रिलेशन फंक्शंस में 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी यहाँ पे भी सेम इन्वर्टिबिलिटी फंक्शंस पे भी एंड राइटिंग द इनवर्सिस करना है आपको, तो बट यहाँ पे ना आपको फंक्शंस कैसे रहते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम -1 to 1 to रियल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू इज 1-1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन
एफ फ्रॉम माइनस वन टू वन टू रेंज ऑफ एफ. तो आपको ना आन टू फाइंड करने के लिए ये जरूरी है इनवर्स के लिए. ओके रेंज ऑफ एफ, ओके रेंज ऑफ एफ हमारे को बहुत जरूरी है. अगर रेंज ऑफ एफ है तो हम इजीली आन टू फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है आपको. फोर फंक्शन फोर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स प्लस फोर शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ रेंज ऑफ एफ फ्रॉम रियल नंबर टू माइनस फोर बाय थ्री. ओके तो टोटल आपको ना फर्स्ट क्वेश्चन में भी इन्वर्टेबल ही पूछा जाएगा और सेकेंड क्वेश्चन में भी इन्वर्टेबल, बट क्वेश्चन आपके पैटर्न थोड़ा चेंज रहेगा, बस इतना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 में ना मैट्रिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो मैट्रिक्स में आपको कौन से क्वेश्चन कवर करना है? प्रॉब्लम्स ऑन वेरिफिकेशंस. तो आपको ना कौन से भी क्वेश्चन दिएगा आपको वेरीफाई बोल के देता है ऐसा. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन विथ आंसर दोनों भी शो दैट या प्रूव दैट में फॉर्मेट में आपको या तो वेरीफाई के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके वेरिफिकेशन ऑन बेसिस कंक्लूजन ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स. यहाँ पे भी आपको कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ये इसके बेस पे आपको ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए. तो आपको ना इसको सॉल्व करना है. अब एक दो मैट्रिक्स गिवन दिया, ए मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 3 बी इज इक्वल टू 1 3 माइनस 1 4 एंड सी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 0. तो वेरीफाई क्या करना है? ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आपको वेरीफाई करना है क्वेश्चंस. तो फर्स्ट आप बी सी फाइंड करना है. ओके उसके बाद में ए से आप मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन नंबर 1 एंड ए बी फाइंड करो इसके साथ भी सी से मल्टीप्लाई करो. दोनों को आंसर क्या है हमारे पास? वेरीफाई होना है. दोनों भी क्या होना है? इक्वल आना है. तो ओके तो हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में से. उसके बाद में ये वाला टाइप क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी मैट्रिक्स गिवन दे के. अब ये ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ए इंटू सी ए सी, बी इंटू सी बी सी, एल एच एस एंड आर एच एस आपको ना फाइंड कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है. और एक टाइप का क्वेश्चन और ये मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. तो बहुत सारे स्टूडेंट ना ये वाले क्वेश्चन में ना गलती बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. ओके तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या दिया आपको? 3 इंटू 1 मैट्रिक्स दिए इसमें. और ये सेकेंड मैट्रिक्स क्या दिए इसमें? ओके 1 इंटू 3. तो आपको पहले फर्स्ट वेरीफाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में. इसका जो रो कॉलम एंड इसका जो रो दोनों भी इक्वल है. तो आपको मैट्रिक्स कौन सा बनेगा? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स. इसका जो आंसर क्या आना आपका? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स आना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको ऐड करके ना 1 इंटू 3 मैट्रिक्स का करके प्रॉब्लम का आंसर तो सही करेंगे, लेकिन आंसर क्या आना? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का आना है आंसर. ओके ये क्वेश्चन आप जरा केयरफुली प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके इसको क्या पूछा आपको? ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश. ओके ये हो गया आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स में. तो डिटरमिनेंट्स में आपको ना कौन सा क्वेश्चन कवर करना है? तो प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग दी सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 अननोन क्वांटिटीज. मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. फाइंड एक्स वाई एंड जेड आपको ना फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से. ओके तो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. ओके तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला. तो एक्स क्या फाइंड करना है हमारे को? एक्स वाई जेड. उसके बाद में ए इनवर्स कैसा फाइंड करना है? इनवर्स के लिए हम ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए. ओके फिर आप एडजेंट ऑफ ए कैसा फाइंड करना है हमारे को? पूरा फुल एक्सरसाइज आपको ना पूरा फुल चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है आपको. तो फर्स्ट मैट्रिक्स मेथड क्या हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. उसके बाद में ए इनवर्स कैसा फाइंड करना है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए. तो एडजेंट ऑफ ए कैसा फाइंड करना है फिर? ओके को फैक्टर्स फाइंड कर लेना है. ओके को फैक्टर्स उसको क्या लगाना है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लगाना है.
ओके उसके बाद में फिर को फैक्टर्स कैसा फाइंड करना है, इज इक्वल टू माइनर्स। ओके तो माइनर्स फाइंड करना है, और माइनस कैसा फाइंड करना है, एलिमिनेटिंग रो एंड कॉलम्स। कौन सा रो एंड, अब ये ए वन वन का इसका माइनस फाइंड करना है, समझो इसका जो रो एंड इसका जो कॉलम आपको ना एलिमिनेट करके ना जो बचे से डिटरमिनेंट को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके इनको टू टू इज़ माइनस फोर प्लस फोर, इसका माइनस हो गया। तो हम इसकी तरह से मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस ना आपको ना एक ही टाइप का क्वेश्चन, पूरे टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही मेथड से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से। ओके अब आपको ना सॉल्व फॉर ये तीन इक्वेशन देता है, लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4 बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये मेथड, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन आपको ना इनवर्स फाइंड इनवर्स, ट्रिप क्वेश्चन आपको ना चेंज कर देता था, फाइंड इनवर्स। इनवर्स तो आपको फाइंड करना चाहे, इनवर्स मीन्स वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजोइंट ऑफ ए, फिर यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन दिया ना सर, फिर क्या है? तो आपको ना मैट्रिक्स गिवन दिया तो आपको ना ये जो वैल्यू फाइंड करना है, ओके एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी का मैट्रिक्स 11 माइनस 5 माइनस 3। तो अब इक्वेशन यहाँ देखो 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, उसके बाद में 1 माइनस 2, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन दिए से आपको। तो अब आपको क्या होना है, x का मैट्रिक्स होना है, उसके बाद में b का मैट्रिक्स होना है। ये टाइप के क्वेश्चन थोड़ा आपको ना ये टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 56 में ना कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन। तो कंटिन्यूटी डिफ्रेंशिएशन में ना आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो प्रॉब्लम्स ऑन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको ना दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, ओके टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट। ओके वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ एम एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ एन एक्स, देन शो दैट, ऑलरेडी शो दैट के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है बस। तो यहाँ पे एल एच एस में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद में वन टाइम डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद में एम एन वाई की वैल्यू पुट करो, आंसर क्या था हमारे पास 0। ओके वेरीफाई करने के, और उसके बाद में इफ 3 इज इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स, देन शो दैट, इज ए फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है ये। तो कंपोजिट क्वेश्चन में भी शो दैट क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू, वाई टू मीन्स इज ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई वन इज ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई मीन्स इज ए फंक्शन, इनपुट पुट करो, आर एच एस में क्या प्रूफ करना है हमारे को 0। उसके बाद में थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इज इक्वल टू 2। ये टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 57। ओके तो 57 में ना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेक्टेंगल्स, बलून्स, सैंड प्यूरिंग, लैडर के ऊपर आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके सबसे इंपॉर्टेंट ये रेक्टेंगल पेरीमीटर का क्वेश्चंस। ओके तो बलून्स के ऊपर एंड सैंड प्यूरिंग फॉर्म में कोन, लैडर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए सो क्वेश्चन सही है। उसके बाद में आप फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पे कैसा क्वेश्चन पूछता, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पेरीमीटर फाइंड करना है, उसके बाद में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो आपको डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ डिक्रीजिंग बोले तो रेट को क्या करना है, dx by dt is equal to minus 5 सेंटीमीटर पर मिनट लेना है एंड विड्थ y is increasing means पॉजिटिव minus 4 सेंटीमीटर पर मिनट, पेरीमीटर फाइंड करो, उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। खाली आपको एग्जाम में आ रहे तो भी ना ये वैल्यू चेंज होंगे, 5 सेंटीमीटर की जगह पे 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का पे 3 2 सेंटीमीटर, ये टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ए ये वाला क्वेश्चन, द पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व, एक कर्व गिवन दी इस वे, तो आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स,
तो x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो कंडीशन क्या दिया है सर, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज दी x कोऑर्डिनेट. मींस तो dy बाय dt इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt. ओके, ये थी क्या हमारे पास पैरामीटर. तो हम t भी ले सकते हैं या तो थीटा ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ क्योंकि x एंड y वेरिएबल्स हम यूज़ करें, यहाँ पे थीटा dy बाय d थीटा इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx बाय d थीटा भी ले सकते हैं हम, या तो पैरामीटर आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद में इंटीग्रल्स. इंटीग्रल्स में आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन कौन से पढ़ना है, डिराइवेशंस ऑन स्क्वायर्स रिलेशंस. ओके, ये टाइप के एग्जांपल्स. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स. उसके बाद आपको ना दो पार्ट में क्वेश्चन पूछेंगे. ओके, प्रूव दैट. उसके बाद में तो फाइंड द इंटीग्रल हेंस इवाल्युएट बोल के, इवाल्युएट के ऊपर इसके बेस पे क्वेश्चन पूछाएंगे. इवाल्युएट का क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसके बेस पे इवाल्युएट का क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये डिराइवेशंस आपको ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके इवाल्युएट और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 मार्क्स के पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशंस. तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में आपको 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन से आते हैं, द क्वेश्चन कंटेनिंग सर्कल्स ट्रायंगल्स इक्वेशंस, ट्रायंगल इक्वेशंस ए बेस पे आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, तो उसके बाद आप सर्कल्स पे आपको पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल के पॉइंट देता आपको, तो आपको ना ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से ए वाला क्वेश्चन आपको पूछा. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60, तो डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ना आपको सॉल्विंग लीनियर वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, तो आपको ना मैक्सिमम इसके ऊपर ट्राई करो आप लीनियर इक्वेशंस पे. ओके, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर मेथड आस्कर आपको ना ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए. अब क्वेश्चन नंबर 61 में ना थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. अब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको ना मिनिमम 5 to 6 थ्योरम आपको प्रैक्टिस कर लेना है. तो आपको डिराइवेशंस पूछा जाएगा यहाँ पे. ओके, डिराइवेशंस, डिराइव द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर. ओके, ये पॉइंट गिवन दिया और एक पैरेलल टू द एक वेक्टर गिवन दिए से इसका डिराइव करना है आपको. सेकेंड थ्योरम आपको ना डिराइव द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. ओके, तो यहाँ पे थ्योरम में क्या पूछे इसमें, ओनली पॉइंट यहाँ पे टू गिवन पॉइंट्स. उसके बाद में इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, और इस पॉइंट यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको. नॉर्मल फॉर्म पे भी आप थ्योरम डिराइवेशन पूछ सकते हैं, या तो कोप्लैनरिटी के ऊपर. ओके, नॉर्मल फॉर्म कोप्लैनरिटी. ओके, ये थ्योरम आपको कोप्लैनरिटी के ऊपर भी थ्योरम. तो टोटल 5 to 6 थ्योरम में से आपको ना एक थ्योरम एनुअल एग्जाम में फिक्स पूछा गया. उसके बाद में प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में आपको ना 5 मार्क्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉटरी टिकेट्स, डाई कार्ड्स, कॉइंस, डिफेक्टिव आइटम्स, इसके बेस पे आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएंगे. और क्वेश्चन नंबर 63 में भी सेम पैटर्न्स. ओके, तो आपको ना यहाँ पे भी कौन से, तो दो रहा, अगर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉटरी पे यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे कार्ड्स कॉइंस या डिफेक्टिव आइटम्स पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएंगे. ये टोटल आपको ना 12 क्वेश्चन है पार्ट डी में. ओके, टोटल 12 क्वेश्चन में से आपको एनी 6 करना है, एनी 6 क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट के अगर आप रिलेशन फंक्शंस मैट्रिक्स, रिलेशन फंक्शंस के आपके दो क्वेश्चन कवर होते हैं, मैट्रिक्स में से एक डिटरमिनेंट्स एक क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का रेट मेजर पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आप टोटल 7 क्वेश्चन या तो 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेके जाओ. आपको एनी 6 क्वेश्चन ही लिखना है. ओके, एनी 6 क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट में हमारे को क्या करना है, ये पार्ट ई पोर्शन. तो आपको यहाँ पे ना लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछता था, इस साल आपको ना 3 क्वेश्चंस पूछ रहा गया,
पूछा गया है। ओके, तो आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा? 6+4 मार्क्स का फॉर्मेट रहेगा। ओके, आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो आंसर क्या करना है, हमको एक ही क्वेश्चन कवर करना है इसमें। तो फर्स्ट आप पढ़ना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे। ओके, एक क्वेश्चन पूछाएंगा। ओके, फॉर्मेट में क्वेश्चन, एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ओके, जेड इज इक्वल टू 3x + 9y एंड सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स x+3y ≤ 60, x+y > 10, x < y। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे टोटल कितने इक्वेशंस है? 3 इक्वेशंस। या तो आपको ना 2 इक्वेशन भी पूछ सकता है, या तो आपको 3 इक्वेशंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो आपको ना एक क्वेश्चन आपका ना फिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन तो आपको करना है। और इजी भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है, उसके बाद में फिजिबल रीजन फाइंड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में वर्ड प्रॉब्लम भी आपको पूछ सकता है यहाँ पे आपको ना सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स गिवन दिया, तो बट यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम में आपको सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स गिवन कुछ भी नहीं देता। आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 grams ऑफ फ्लोर एंड 25 grams ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 grams ऑफ फ्लोर एंड 50 grams ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg फ्लोर एंड 1 kg फैट, अज्यूमिंग दैट देर इज नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट यूज इन दिस मेकिंग केक। आपको दो टाइप के केक यहाँ पे बनाना है। ओके, तो आप ये फंक्शंस आपको ना ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में कन्वर्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके साथ ना आपको ये जो 4 marks का क्वेश्चन है, ओके, ये जो 4 marks का क्वेश्चन या तो कंटिन्यूटी भी पूछ सकता है या तो डिटरमिनेंट में भी पूछ सकता है। तो कंटिन्यूटी में आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के। ओके, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के फॉर गिवन फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कौन से रहना है यहाँ पर? गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस रहना है। या तो और इसके साथ, या तो ये वाला क्वेश्चन ही पूछा तो आपको डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.5 में से क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एक्सरसाइज 4.5। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में ना इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस। ओके, इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस, प्रूफ फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। तो यहाँ पे भी आपको ना प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, उसके बाद में उसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है 3+3 फॉर्मेट में। ओके, प्रॉपर्टीज आपको 3 marks का क्वेश्चन पूछा है, उसके बेस पे 3 marks में हेंस इवाल्युएट या तो फाइंड द वैल्यू बोल के आपको ना 3 marks का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे क्वेश्चन आएंगा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी बी क्वेश्चंस में ना हम नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है या तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 64 में कंटिन्यूटी पूछा गया समझो, क्वेश्चन नंबर 65 में डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं बोलते क्वेश्चन नंबर 64 में बी में अगर डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन पूछा गया समझो, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ना प्रिपरेशन ऐसी तैयारी करना है कि क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 66। तो अगर 60 में ए और बी फॉर्मेट, यहाँ पे भी ए और बी फॉर्मेट, और ये भी ए और बी फॉर्मेट में, अगर यहाँ पे हम LPP कर लिए समझो, तो बी में आप कंटिन्यूटी का भी सॉल्व कर लेना है। कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो यहाँ पे भी आप ए और बी, तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करें समझो, तो यहाँ पे आपको ना कंटिन्यूटी भी करना है और डिटर्मिनेंट्स का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 66 इस बार ये नया क्वेश्चन आया है। ओके, तो यहाँ पे ना अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में से, तो अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ना मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में से आपको ना एक 6 marks का क्वेश्चन है। उसके बाद में बी में डिटर्मिनेंट्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, 4.2 एक्सरसाइज। ओके, ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये टोटल आपको ना
पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई में हम क्वेश्चन वाइज एनालाइज करें स्वयं वर्ल्ड मॉडल पेपर 2022 का. ओके, अब आपको ना यहाँ से आपको पासिंग पैकेज के लिए पार्ट डी और पार्ट ई का सेक्शन पढ़ सकते हैं. अगर हम आपको स्कोर करना है तो स्कोर करना है तो हम आपको दूसरे चैप्टर्स ऐसे सेलेक्ट करना है कि विथ मार्क्स भी स्कोर करना है और हमको नॉलेज भी स्कोर करना है. ओके, नॉलेज भी अपना बढ़ा लेना है तो आपको फ्यूचर में ना आपको डिग्री लेवल में आपको ना वो यूज़ होना हो चैप्टर्स. ओके, तो फर्स्ट के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए सर पास हो जाते सर, ये थिंकिंग मत करो. आपको विथ मार्क्स भी होना है और नॉलेज भी होना है. उसके लिए ना हमको प्लान क्या करना है. ओके, तो फर्स्ट आप ना 3 फेज में आप ना इसको ना सॉल्व चैप्टर सेलेक्ट कर लियो. तो फर्स्ट ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ना आपको ना टोटल 40 मार्क्स का पेपर कवर करना है. 40 मार्क्स के आपको चैप्टर्स कवर करना है 40 मार्क्स के लिए. तो आप एक साइड में सेफ जोन में आ जाते हैं, हम 100% पास होते हैं. अब सेकेंड पार्ट में ना आपको ना विथ स्कोर प्लस नॉलेज दोनों भी कवर करना है यहाँ पे सेकेंड फेज में. और थर्ड पेज में जो रिमेनिंग आपको ना फिर स्कोर करने के लिए 95 स्कोर करने के हम आपको वो टॉपिक कवर करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे ना अगर हम यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ओके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में मैट्रिक्सेस, डिटरमिनेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री. ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस टोटल 9 मार्क्स कर रहे थे यहाँ पे. ओके, टोटल 9 मार्क्स, 1+1+2+2+3. ओके, तो 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9. तो यहाँ पे टोटल 9 मार्क्स कर रहे थे. और मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस में आपको ना 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन. टोटल कितने कर रहे, 8+2 10, 11 मार्क्स. उसके बाद में डिटरमिनेंट चैप्टर, डिटरमिनेंट चैप्टर में टोटल 19 मार्क्स का चैप्टर है. बट आपको ना पार्ट ई में ना 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे. तो 1+2+3+4+1 5, टोटल 15 मार्क्स. ओके, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ओनली 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लियो और ऑर्डर डिग्री 2 मार्क्स. ओके, तो ये टोटल 40 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं फर्स्ट फेज में. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल 9 मार्क्स का कवर करना है, मैट्रिक्स में 11 मार्क्स का, और डिटरमिनेंट्स 15 मार्क्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 3 मार्क्स एंड ऑर्डर एंड डिग्री 2 मार्क्स. तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन कितने कवर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4. ओके, 4 मार्क्स कवर हो रहे आपके 1 मार्क्स के. अब 2 मार्क्स के 1, 2, 3, 4. ओके, यहाँ पे भी 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. तो यहाँ पे 3 मार्क्स के 1, 2, 3. ओके, 4, यहाँ पे भी 4. तो हर फर्स्ट पेज में हमारे 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर हो रहे. टोटल हम यहाँ पे 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं. उसके बाद में सेकेंड फेज में हमको कौन से टॉपिक पढ़ना है. ओके, तो सेकेंड फेज में ना हमार को रिलेशन साइन फंक्शंस टोटल 17 मार्क्स को रहते हैं यहाँ पे. ओके, रिलेशन फंक्शंस में टोटल 17 मार्क्स को रहते हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस इज इक्वल टू टोटल 17 मार्क्स. उसके बाद में आपको ना कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिबिलिटी,
continuity and डिफ्रेंसिएशन. ये टोटल ना 26 मार्क्स का होते आपके 26 मार्क्स. 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक, टोटल 26. तो 26 प्लस 17 ओके टोटल 43 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं सेकेंड फेज में. और थर्ड फेज में ना आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स, अब यहाँ पे 40 मार्क्स करो रहा फिर यहाँ पे 43 मार्क्स ओके 40 प्लस 43 तो 83 मार्क्स करो रहे. तो आपको बचे से रिमेनिंग टॉपिक आपको ना सेलेक्ट करना है. या तो आप एलपीपी आपको करना है, उसके बाद में वेक्टर्स, 3D, या तो 3D के जगह पर हम इंटीग्रेशन भी पढ़ सकते हैं. ये तीन फेज पे ना आप ना प्रिपरेशन कर सकते हैं और आउट ऑफ 100 मार्क्स कवर कर सकते हैं टोटल. फिर थर्ड फेज में ना आपको फिर 40 मार्क्स का कवर करना है ओके. फोर्थ थर्ड फेज में फिर आपको ना ओके. अब थर्ड फेज में ओके तो रिमेनिंग चैप्टर कौन से बचे आपके, वेक्टर्स, 3D तो पढ़ो या तो इंटीग्रेशन ओके. वेक्टर्स 12 टू 13 मार्क्स कवर करना है, 3D भी ये 12 मार्क्स ओके. उसके बाद में आप LPP 7 मार्क्स एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव ये 10 मार्क्स ओके. तो यहाँ पे भी आप 40 मार्क्स कवर करते हैं टोटल 123 मार्क्स का. बट आपको लिखना कितना है, ओनली 100 मार्क्स आपको कवर कर लेना है ओके. तो ये हो गया आपका आउट ऑफ सिलेबस. आपको तीन फेज में आपको ना डिवाइड करके ना सिलेबस को आप इजीली पढ़ सकते हैं. इजी टॉपिक एक तरफ, और सेकेंड फेज में ना आपको ना विद नॉलेज, क्योंकि कैलकुलस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कैलकुलस पार्ट हम आपको हायर एजुकेशन में ना कहाँ पे भी यूज़ हो जाता है, इसलिए आप ये चैप्टर मिस मत करो. जैसा कि इंटीग्रेशंस ओके, कैलकुलस पार्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओके. नेक्स्ट लास्ट वन, मैं ये स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा विजडम इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफुद्दीन सर एंड जॉइंट सेक्रेटरी सलाउद्दीन फरहान सर एंड हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल शेख मदर सर. ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, उनको सबको तीनों को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा. और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एग्ज़ाम देने ना वो लोगों को ऑल द बेस्ट. थैंक यू वन एंड ऑल.